हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सिस्टर इन लॉ को जो एनिवर्सरी में क्या क्या गिफ्ट में मिला था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले ये गिफ्ट जो ओपन हो रहा है वो किसका है? जीनू। जीनू का, यानी कि मेरा सबसे फर्स्ट गिफ्ट मेरा ओपन हो रहा है। तो ये फर्स्ट गिफ्ट मेरा है, तो बताओ आपको कैसा लगा? कैसा बहुत लगा? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। नाइस। तो ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दिया, और इनके हस्बैंड को मैंने क्या दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है एक हुडी, नेक्स्ट गिफ्ट मेरी ये गिफ्ट है, भाभी ने दिया है। भाभी इधर आओ, इन मेरी ये बड़ी वाली भाभी ने ये गिफ्ट दिया है। क्या एक वुलन कुर्ती है जो रेड कलर की है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। यही थे सबके गिफ्ट जो मैंने आपके साथ सारे अनबॉक्स किए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और मॉर्निंग के अभी जो टाइम हो रहा है 10:00 हो रहा है,
और ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। सारा रात मैंने जल्दी से ले लिया था और सारे घर के काम भी मैंने कर लिए थे। और अभी मॉर्निंग में मैंने बहुत सारी वेजिटेबल ली थी, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन से वेजिटेबल नहीं ली थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर पर थी। तो मम्मी के घर पे कभी जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेकर रख कर जाती हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, ख़राब ही हो जाती हैं। आने के बाद मैंने अभी बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं क्योंकि डेली टिफ़िन में बननी होती हैं, और जैसे कि आपको पता है नॉनवेज तो मेरा डेली बनता ही है, तो सब्ज़ियाँ भी डेली बनती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज के साथ हम लोग वेज नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो अभी जो मैं बनाने वाली हूँ आफ्टरनून के टाइम पर, तो अभी मैं बनाऊंगी पालक आलू। मैंने लिया है आजकल मेथी आलू, पालक आलू, ये जो आते हैं एकदम फ्रेश और अच्छे आते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी मैंने लिए हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स ये, और बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स हम लोग के यहाँ से सब्ज़ी वाले निकलते हैं तो हम ले लेते हैं, तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, मोस्टली मैं यहीं से ले लेती हूँ अपने घर के सामने से। तो मैंने ये इतनी सारी वेजिटेबल्स ये और ये एक पॉलीथिन भर कर ये सारी वेजिटेबल्स अभी ली हैं। अब इस सब वेजिटेबल्स को मुझे अच्छे से अरेंज करना है और इसे थोड़ी देर के बाद ही रखेंगे, सबको अच्छे से वॉश करके रखना है। तो चलिए निकाल लेते हैं सबको पहले तो। अच्छे से मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखूंगी और इसको वॉश करूंगी पहले, तो उसके बाद ही फ्रिज में लगाएंगे जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं नॉर्मली। तो बस यही कर रही हूँ, इन सबको अच्छे से रखूंगी और सबको इनके कंटेनर्स में मैं मोस्टली रखती हूँ, तो उसी में ही रखूंगी। और मेरा जैसे कि जिंजर गार्लिक ख़त्म हो गया है, उसको भी बना के रखना है, तो देखते हैं कब बनाते हैं। अभी तो आज मन नहीं है करने का, देखते हैं फिर कब बनाते हैं, क्योंकि जिंजर गार्लिक सबसे ज़्यादा सही रहता है अगर हम उसे कर लेते हैं तो। इस पॉलीथिन की भी निकालनी है अभी क्या क्या है इसमें, जैसे कि मेथी आलू, पालक आलू के साथ ये मूली बहुत अच्छी लगती है मुझे, बैगन, सारी सब्जी मैं ले लेती हूँ जब भी जो भी बनाने का मन है। ये जो सब्जी है 3-4 दिन के लिए हो गई है, इनफ है, डेली डेली लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तो आज ही ले ली सारी। एक दिन में ही मैं बहुत सारी सब्जी ले लेती हूँ, डेली डेली मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फिर लो। एक दिन में मैंने ले लिया ना तो काम चल जाता है मेरा। चलिए तो रूम में चलते हैं, थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। और कल मैं गई थी विशाल और विशाल मेगा मार्ट और सिटी कार्ट गई थी, और मैंने वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई, क्योंकि आपके साथ में शेयर कर देती हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, मम्मा ने भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं मम्मा के घर पर ही आपको सब कुछ दिखा दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे ना उस टाइम पे, फिर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया उस टाइम पे। और बहुत सारी चीज़ें मम्मा ने भी ली थी, तो मैं अब यहाँ आ गई घर पर, तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ। फिर भी मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी कि मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें ली थी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर सारी शॉपिंग हम लोगों ने की है। तो चलिए दिखाती हूँ जो भी मैंने लिया है और जो मैंने एक्सप्लोर किया है वहाँ पर, उसका वीडियो आपको सेपरेट दूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ मैं थोड़ी ना लेकर आई हूँ। मुझे जो चाहिए था, मैं तो बहुत बार जाती रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कपड़ों में क्या क्या लिया हुआ है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये हैं 3 टॉप ये, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर हैं ये टॉप, वो आप देख सकते हो। फर्स्ट जो मेरा टॉप है वो है ये, मैंने लॉन्ग टॉप लिया, आप इसे एज अ वन पीस की तरह भी पहन सकते हो, एज अ कुर्ती की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो 2-in-1 आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहन तो मुझे इस तरह की लॉन्ग टॉप वाली, लॉन्ग टॉप बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से, आप इसे नाइट में, डे में, ये नहीं पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप इसको रात में ही पहने, मैं तो फुल डे ही पहने रहती हूँ, मुझे लॉन्ग बहुत प्यारे लगते हैं। और सामने कार्टून बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा, और लिखा हुआ है स्लीप टाइम, ग्रे एंड ब्लू कलर की इसकी स्लीव्स हैं। ये मुझे मिला है 200 रुपीज़ का, मटेरियल वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे थे इसमें। और एक मैंने ये लिया था, ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का है ये,
ये है, इसमें बीच में इलास्टिक है जिसको मैं मतलब पहन चुकी हूँ, तो ये इस वीडियो में मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं इसको पहले लेकर आई थी लेकिन तब भी ऑफर चल रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको इंक्लूड करके इकट्ठा ही दिखा दिया। ये शायद 200 या 250 समथिंग का था ये वाला, इसमें बीच में इलास्टिक है, बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे, और ऊपर से है ये। वहाँ सारे साइज अवेलेबल थे जैसे कि एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, डबल एक्सेल, तो ये मैंने लिए हैं। और इसमें से जो मेरा साइज है, मैंने फ्री साइज लिया है तो मैंने एक्सेल लिया है, बट बहुत ही अच्छा है ये। इसका जो मटेरियल वाइज बहुत ही सॉफ्ट है, पहनने पर बहुत स्मार्ट लुक देता है, मैं इसे पहन भी चुकी हूँ इस तरह से। और एक टॉप मैंने ये लिया है जिसको मैंने अभी तक वेयर नहीं किया है, लिया है ये, और इसकी MRP है 199, 200 रुपीज़ का ये भी है। तीन टॉप मैं वहाँ से लेकर आई थी, ये तीन टॉप मोस्टली 250 के अंदर ही आपको बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ टॉप मिल जाएंगे विशाल मेगा मार्ट में, बहुत ही अच्छे अच्छे और स्पेशली क्या है, साइजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कि आपको मतलब अगर आपको मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने तीन टॉप पिक कर लिए थे। दो पहले लेकर आई थी, एक अभी लेकर आई, मतलब आप ये मेरे विशाल के ही टॉप हैं, ये सारे लेकर आई थी। देन इसके बाद मैंने लिए थे ये टिश्यू पेपर जो 99 का एक है, बट ये मुझे कॉम्बो में मिला था, तो ये कॉम्बो में मुझे मिला है 199 रुपीज़, इस तरह से था, 199 का, तो 199 के दो मिले हैं मुझे। और मैंने ली है दो ट्रे, ये हैं बाय वन गेट वन, तो एक मेरी मम्मा ने ली थी, एक उन्होंने मुझे दे दी थी, वो उन्हीं ने ली थी, और ये मैंने ली थी दो, ये दो का था, और ये है 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको टू ट्रे का सेट मिल रहा है, तो अच्छी डील है। छोटी ट्रे है, मेरे पास बड़े साइज की बहुत सारी ट्रे थी, तो मैंने सोचा एक छोटी लेते हैं, तो जस्ट 99 रुपीज़ एंड बाय वन गेट वन थी। 99 रुपीज़ में आपको दो ट्रे का इस तरह से सेट मिल रहा था। मैंने लिया था ये हैंगर का सेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड होती है हैंगर की। ये मुझे मिला है 155 रुपीज़ का, और इसकी MRP है, बट ये ऑफर में है 99। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, स्टफ वहाँ का मिल रहा है, 99 रुपीज़ में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो 99 में ही ज़्यादा आपको मिल गई, तो 199 का 200 का है, बट ये ऑफर प्राइस है 99। तो ये है 6 हैंगर का सेट, तो मैंने एक ये लिया है। और देन इसके बाद मैंने अपनी नीस के लिए लिए हैं ये क्रेयॉन्स, उसको ये सारी कुछ जाए और बच्चों के लिए नहीं लाए तो ऐसा दिल नहीं मान सकता है, तो मैंने उसके लिए लिए थे ये क्रेयॉन्स। और मैंने दो फ्रेग्रेंसेस ली थी बाथरूम के लिए या रूम के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये 59 रुपीज़ में दो हैं, ठीक है। और मैंने एक ही पिक किया था, बट मैं बिलिंग काउंटर पे गई तो उन्होंने बोला आपको दो और लेने थे, तो फिर उन्होंने दो खुद से ही डाल दिए, तो ये होम सेलेक्ट और बहुत ही फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है, तो ये मैं बाथरूम में लटकाने वाली हूँ। 10 ग्राम का 59 रुपीज़ के आपको ये दो मिलेंगे, तो ये दो फ्रेग्रेंसेस मैंने लिए हैं। और इसके बाद मैंने लिया है एक ये ब्लैक पेपर, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं था, ये तो जस्ट 80 रुपीज़ का एवरेस्ट का काली मिर्च पाउडर है, जो लास्ट टाइम मैं बोल रही थी मुझे लेना था और मिला नहीं था, तो ये लिया है। और एक मैंने लिया था डाबर का हनी, क्योंकि ये जो मैं होम रेमेडीज़ करती हूँ तो उसके लिए हनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हेयर के लिए, स्किन के लिए। मैंने यहाँ पर दो ये लिए छोटी कढ़ाई, ये जो प्राइस था इस कढ़ाई का 199 था, बट ये डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिली थी 99 रुपीज़ की, बहुत ही अच्छी है, छोटे से साइज़ की मुझे लेनी थी क्योंकि मेरे पास सब चीज़ बड़ी बड़ी है, छोटा बहुत ही मतलब छोटी चीज़ें कम है, तो मैंने एक ये ली थी। एंड मैंने एक पतीली ली थी 169 रुपीज़ की है, ये मुझे मिली है 99 रुपीज़ की, जो आप देख सकते हो ये स्टील की पतीली है छोटे साइज़ की। और मेरी मम्मा ने 6 ग्लास का सेट लिया है, और वो भी बहुत ही अमेजिंग है, अगर वो 6 ग्लास का सेट आई थिंक 100 रुपीज़ का लिया था, और दो तीन चीज़ें उन्होंने भी ली थी, तो वो तो मेरे पास है नहीं है, वो मम्मा के पास ही है। और इस तरह से बिल हुआ था, मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया था, सबका डिस्काउंटेड डिस्काउंट प्राइस था, होम्स एंड सेलेक्ट पेपर नैपकिन,
रूम फ्रेशनर, पतीली, कढ़ाई। मेरी मम्मी ने भी ये पतीली का एक सेट उन्होंने भी लिया है, क्योंकि पतीली बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर में कितना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़, जैसे दूध बच गया, कुछ बच गया, तो उसमें छोटा सा रखने के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ मिल रही थी, जस्ट 99 रुपीज़। ये बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बोज थे इसके, बट मैंने एक ही लिए, मेरे पास बहुत सारा है ये सब कुछ। एक मेरी मम्मा ने भी लिया था। ये मैं बनाने वाली हूँ, अब किचन में चलते हैं और बना लेते हैं। क्या मैं बना रही हूँ आज? पालक आलू की सब्ज़ी, तो वही बनाने वाली हूँ। तो इन सबको मैं रख लेती हूँ, अरेंज करके रख लेती हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए अभी बैग में ही रखी थी, बट अब सबको खोलने वाली हूँ। तो इसकी फ्रेग्रेंस चेक करते हैं, इसे बाथरूम में मैं यूज़ करने वाली हूँ पहले, तो कि कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस। अमेजिंग, इस तरह से है खोलने के बाद ये कुछ, और बहुत ही अच्छा है ये। इसमें लिखा है होम एंड कार दोनों के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मेथी आलू की। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, और इस ऑयल में मैं डालूँगी लहसुन। तो ये मैंने 7 to 8 लहसुन लिया, उसे बारीक चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ, जब तक इसको इसी तरह से फ्राई होने देना है आपको। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं, मेथी काट ली है मैंने, देन यहाँ आलू है, और हरी मिर्ची ली है 4 to 5। इन सबको मैं डाल दूंगी इसी के अंदर, इस पतीली में। आप इसे, इसको बनाने के लिए किसी भी यूटेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और मैंने इन सबको डाल दिया है इसमें। देन अब मैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है टमाटर। आप एक बड़े साइज़ का टमाटर ले सकते हैं, और इसमें अच्छे से आपको मिक्स कर देना है इसको। देन अब मैं इसमें डालूंगी नमक और हल्दी पाउडर, और सबको अच्छे से मिक्स होने दूंगी, और इसको मैं ढककर पकाऊंगी। और 15 से 20 मिनट के बाद ये रेसिपी है बनकर रेडी हो जाती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आफ्टरनून टाइम हो रहा है, एक फेस पैक अप्लाई किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, मैं इसको, इसका सेपरेट वीडियो आएगा तो आप उसको ज़रूर देखना। 20 मिनट लगा कर रखना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ब्लॉग में भी इंक्लूड कर लिया जाए। बहुत ही अच्छी गोरी गोरी स्किन आपको मिलती है इसके बाद, और गोरी स्किन सबको अच्छी लगती है। गोरेपन के पीछे ही हम पार्लर्स भागते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें अगर हमें होम रेमेडी करके मिल जाए तो क्या बात है। क्योंकि जब तक हमारी स्किन अंदर से स्ट्रांग होगी ना, तभी हम उसमें कुछ भी बाहर से करेंगे तो अच्छा होगा। तो कुछ होम रेमेडीज ट्राई करते रहना चाहिए वीक में, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 20 मिनट होने वाले तो नहीं, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं, तो अभी सूखने में टाइम लगेगा। और मैं फ़ैन भी बंद किए हुए हूँ क्योंकि वीडियो शूट कर रही थी, तो फ़ैन चला ले रही हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, जल्दी सूख जाएगा पैड भी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अभी 8 o'clock हो गया था, और मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग आ गए थे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में, और कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मम्मी के साथ तो आउटिंग मेरी बहुत ही कम हो पाती है, मोस्टली मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ।
यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ कुछ खाने पीने के लिए। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बिजी वाला दिन रहा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखते रहिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट डे अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।